हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 9th वीडियो लेक्चर में आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो उसके लिए आप थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर कभी आपको सर्कल सी की इक्वेशन लिखनी पड़े इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो हम उसको लिखेंगे मॉडुलस z माइनस a इक्वल r, जहां पर a को हम सेंटर कहते हैं और r को रेडियस कहा जाता है। दूसरी तरफ इसकी एक पोलर फॉर्म भी है जिसको हम मॉडुलस z माइनस a इक्वल r इंटू e की पावर आइटा थीटा कहते हैं। तो ये हमारे कहीं काम आ सकती है, इसका ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके मेन डेफिनेशन पर। इफ fz इज एनालिटिक फंक्शन, देन इट्स कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल इज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रल सी यू प्लस आइटा वी, और डी जेड की वैल्यू डी एक्स प्लस आइटा डी वाई आ गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास z होता है x प्लस आइटा वाई, तो अगर उसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपको डी एक्स प्लस आइटा डी वाई मिलेगा, और एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आइटा वी होती है। यू और वी रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं जो कि एक्स वाई के फंक्शन भी होते हैं। मतलब यू इज इक्वल यू एक्स वाई होता था और वी इक्वल वी एक्स वाई होता था। तो इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो देखिए उन्हें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। लिमिट दी है 0 टू 1 प्लस आयटा, और ब्रैकेट में है x माइनस आयटा प्लस आयटा एक्स स्क्वायर डी जेड। जेड से हमें पता लग रहा है कि हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकालना है, और दूसरी तरफ हमारी लिमिट भी आयटा में दी हुई है। अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल एक्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमने इसे i कंसीडर किया, इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 प्लस आयटा, ब्रैकेट में x माइनस आयटा प्लस आयटा एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड। अब हम यहाँ पर z की वैल्यू रख सकते हैं, तो उसकी जगह आएगा डी एक्स प्लस आयटा डी वाई। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, ये जो इसकी लोअर लिमिट है 0, ये 0 नहीं, एक्चुअली 0 प्लस आयटा इंटू 0 समझिए इसको। तो हमारे पास x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी लोअर लिमिट में। वही दूसरी तरफ अपर लिमिट 1 प्लस आयटा है, तो इसमें x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। अब इसमें एक बात समझ लीजिए जरा, क्या कि अगर आपको कर्व दिया है y इज इक्वल एक्स, तो हम जब तक इस इंटीग्रेशन को सिंगल वेरिएबल पर कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम इसको dy इज इक्वल dx से रिप्लेस कर देंगे, और x की जो लिमिट है वो 0 टू 1 हो जाएगी। ये कहां से आ रही है, देखो लोअर लिमिट 0 0 समझिए और अपर लिमिट 1 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 टू 1 हो जाएगी। तो इसमें रख देते हैं भाई, देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू 1। अब लिमिट पे ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ x के लिए लिमिट लिखी है 0 टू 1, क्योंकि पूरा फंक्शन हमने x में कन्वर्ट कर दिया है। x माइनस y की जगह x आ गया है, प्लस आयटा एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, दूसरे ब्रैकेट में dx प्लस आयटा dy की जगह भी हमने dx लिख दिया। अब यहां x से x कैंसिल हो जाएगा और इस ब्रैकेट से dx कॉमन आ सकता है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा i इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू 1 आयटा एक्स स्क्वायर इंटू dx कॉमन आ चुका है, तो 1 प्लस आयटा dx हो जाएगा। अभी जो कांस्टेंट आयटा है और 1 प्लस आयटा है, हम इसको बाहर लिख सकते हैं कुछ ऐसे, i इज इक्वल आयटा 1 प्लस आयटा बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट 0 टू 1 एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई 3, लिमिट आ गई है 0 टू 1। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 1 बाई 3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका फाइनल आंसर बना के लिख सकते हैं, i इज इक्वल आयटा माइनस 1 अपॉन 3। ये कहां से आया, क्योंकि हमने आयटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयटा इंटू 1 आयटा होगा, और आयटा 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 स्क्वायर होता है जो कि माइनस 1 होगा, इस वजह से आयटा माइनस 1 अपॉन 3 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस आयटा z स्क्वायर dz अलोंग y इज इक्वल x ही आपको निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमने इसको i कंसीडर किया, इंटीग्रल लिमिट 0 टू 1 प्लस आयटा z स्क्वायर dz। हम यहाँ पर z की वैल्यू x प्लस आयटा y रख सकते हैं, और dz की वैल्यू dx प्लस आयटा dy हो जाएगी। अब इसमें भी फिर से वही बात, जो गिवन कर्व है आपको वो y इक्वल x, मतलब आप पूरे फंक्शन को किसी एक वेरिएबल पर कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप x में कन्वर्ट करें चाहे y में कन्वर्ट करें। तो हम यहाँ पर y को x रख रहे हैं, सो दैट dy की वैल्यू dx हो जाएगी, और x की जो लिमिट है वो 0 टू 1 हो जाएगी। अब इन वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो देखो i इक्वल इंटीग्रल 0 टू 1 x प्लस आयटा, y की जगह x आ गया, उसका होल स्क्वायर हो रहा है, इंटू दूसरी तरफ dx प्लस आयटा dy की जगह dx हो गया। और लिमिट पे ध्यान देंगे तो 0 टू 1 लिखी है, क्योंकि x की लिमिट 0 टू 1 है। अब हम पहले ब्रैकेट से x कॉमन लेंगे तो वो ब्रैकेट से बाहर आकर x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस आयटा का स्क्वायर अलग मिलेगा। वही दूसरी तरफ अगर आप dx भी कॉमन ले लें तो वहां से भी आपको 1 प्लस आयटा मिलेगा। इस तरह से आपको 1 प्लस आयटा की 3 पावर मिलेगी, तो आप उसको लिखेंगे 1 प्लस आयटा का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx।
अब 1 प्लस आइटा के क्यूब को आप बाहर लिख सकते हैं, 1 प्लस आइटा एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रल के अंदर 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, लिमिट आ गई 0 टू 1। अपर लिमिट रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा। इस तरह इसका जो फाइनल आंसर है वो आई इज इक्वल 1 प्लस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हुआ भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, दो कर्व दिए हैं आपको, y इज इक्वल एक्स और y इज इक्वल एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमने इसे i कंसीडर किया, इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस आईटा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आईटा वाई इंटू dz। आप यहां पर dz की वैल्यू रख सकते हैं, तो फिर आपको dx प्लस आईटा dy मिल जाएगा। अब फिर से वही बात, हम पहले कर्व को ले रहे हैं y इज इक्वल एक्स, तो dy की वैल्यू dx हो जाएगी। अब फिर से जो x की लिमिट है वो 0 टू 1 है, तो इस वजह से x टेंड्स टू 0 टू 1 इसमें रख दीजिए, तो i इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस आईटा y की जगह x आ गया है, वहीं दूसरे ब्रैकेट में dx प्लस आईटा dy की जगह dx आ गया है। तो दूसरे ब्रैकेट से आप dx कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आईटा बचेगा, उसको हम बाहर कर सकते हैं, तो 1 प्लस आईटा बाहर इंटीग्रल के अंदर 0 टू 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आईटा x dx आ गया है। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा, I इज इक्वल 1 प्लस आइटा बाहर लिखा है, एक्स स्क्वायर का हुआ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस आइटा एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई 0 टू 1। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 1/3 प्लस 1/2 मिलेगा, जबकि लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा, कुछ ऐसे I इज इक्वल 1 प्लस आइटा इंटीग्रल 1/3 प्लस 1/2। और अगर हम इसका थोड़ा सा एलसीएम लेकर के ठीक करें तो कुछ ऐसा बनेगा I इज इक्वल 5 आइटा माइनस 1/6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का पहले कर y इज इक्वल एक्स के लिए ये आंसर है 5 आइटा माइनस 1/6। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, उसके लिए हमने फिर से i इक्वल इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस आइटा एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई dz ऐसे ही लिख दिया है। अब हमारे पास dz की वैल्यू dx प्लस आइटा dy होती है, और दूसरा कर्व हमें जो गिवन है वो है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर dy की वैल्यू 2x dx हो जाएगी, x की लिमिट वही 0 टू 1 है, तो इसे उठाकर रख दीजिए, तो हमारे पास मिलेगा i इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस आईटा y की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, दूसरे ब्रैकेट में dx प्लस आईटा dy की जगह 2x इंटू dx आ गया। अब पहले ब्रैकेट से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और दूसरे ब्रैकेट से dx कॉमन ले लेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 1 प्लस आईटा इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस आईटा 2x क्यूब इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, i इज इक्वल 1 प्लस आईटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 आइटा एक्स क्यूब का होगा तो एक्स 4/4, लिमिट आ गई 0 टू 1। अब यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, और इसके लिमिट रख के कुछ ऐसा बनेगा i इज इक्वल 1 प्लस आइटा 1/3 प्लस आइटा बाई 2, लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा। और इसका एलसीएम लेंगे तो i इज इक्वल 1 प्लस आइटा इंटू 2 प्लस 3 आइटा अपॉन 6 हो जाएगा, या फिर इसको भी हम मल्टीप्लाई करके रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा 5 आइटा माइनस 1/6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व दिए थे y इज इक्वल एक्स और y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको y की जगह वो कर्व रख देना है जो हमें x में दिया हुआ है, और dy को भी उसका डिफरेंशिएशन करके रिप्लेस कर देना है। तो नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंटीग्रल माइनस 2 प्लस आइटा से 5 प्लस 3 आइटा z क्यूब dz की वैल्यू निकालनी है आपको अलॉन्ग y इज इक्वल एक्स। तो सॉल्यूशन देखिए भाई इसका, हमने i को कंसीडर कर लिया, इंटीग्रल माइनस 2 प्लस आइटा 5 प्लस 3 आइटा z क्यूब dz। अब हम z की वैल्यू x प्लस आईटा y रख सकते हैं, और dz की वैल्यू dx प्लस आईटा dy होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें फिर से समझिए, आपको जो गिवन कर्व है वो y इज इक्वल x है, यानी आप जहां भी y है उसकी जगह x रखेंगे, और dy के बदले आप dx रख सकते हैं। अब यहां x की जो लिमिट है वो माइनस 2 से 5 होगी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट लोअर लिमिट में माइनस 2 है और अपर लिमिट में 5 है, तो जब हम पूरी क्वेश्चन को x में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको माइनस 2 टू 5 लिमिट लगानी होगी, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा i इज इक्वल लिमिट आ गई x के लिए माइनस 2 टू 5 ब्रैकेट में x प्लस आईटा y की जगह x आ गया, उसका होल क्यूब हो रहा है, इंटू dx प्लस आईटा dy की जगह dx आ गया। अब पहले ब्रैकेट से x कॉमन लेंगे तो बाहर आकर x क्यूब बनेगा और 1 प्लस आईटा का होल क्यूब अंदर रह जाएगा, वहीं दूसरे ब्रैकेट से अगर dx कॉमन लेंगे तो वहां पर भी 1 प्लस आईटा मिलेगा, इस तरह से आपको 1 प्लस आईटा की पावर 4 मिल जाएगा, उसको हमने इंटीग्रल से बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन में रहेगा एक्स क्यूब dx। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x 4/4, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट आ गई माइनस 2 से 5, अपर लिमिट रखेंगे हम इसकी तो आपको मिलेगा 625, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस 2 की पावर 4 करेंगे तो वो भी 16 हो जाएगा अपॉन 4, और आप इसको ठीक करके लिखेंगे तो i इज इक्वल 609 इंटू
ब्रैकेट में 1 प्लस आयटा की होल पावर 4 होल अपॉन 4 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। अलोंग दो कर्व दिए हैं, फर्स्ट x इक्वल टी प्लस 1 कॉमा y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 एंड सेकंड कर्व है स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो कि 1 माइनस आयटा से 2 प्लस आयटा तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन, हमने इसको i कंसीडर कर लिया, इंटीग्रल 1 माइनस आयटा से 2 प्लस आयटा ब्रैकेट में 2x प्लस आयटा y प्लस 1 dz। अब इसमें आप dz की वैल्यू रख सकते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रल 1 माइनस आयटा से 2 प्लस आयटा ब्रैकेट में 2x प्लस आयटा y प्लस 1 और dz की जगह आ रहा है dx प्लस आयटा dy। अब एक बात समझ लीजिए, क्या हमारे पास x की वैल्यू t प्लस 1 है तो dx की वैल्यू dt हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ y की वैल्यू 2t स्क्वायर माइनस 1 है तो dy की वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन करके 4t dt हो जाएगा। और साथ ही लिमिट समझिए, x की जो लिमिट है वो 1 से 2 है क्योंकि लोअर लिमिट में x की वैल्यू 1 है और अपर लिमिट में x की वैल्यू 2 है। और x की वैल्यू t प्लस 1 होने की वजह से जब हम x को 1 रखेंगे तो t 0 मिलेगा और 2 रखेंगे तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस वजह से जब हम पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट करेंगे तो t की लिमिट आएगी 0 टू 1। तो इसे रख दीजिए इसमें तो हमारे पास मिलेगा i इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू 1। ये समझ लीजिए 0 टू 1 लिमिट t की आ रही है क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन अब t में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 x की जगह t प्लस 1 प्लस आयटा 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में dx की जगह dt आ गया प्लस आयटा dy की जगह 4t dt होगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक करके लिखें तो कुछ ऐसा बनेगा i इक्वल इंटीग्रल 0 टू 1 2t प्लस 3 प्लस आयटा 2t स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट से हमने dt कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 4 आयटा t हो गया। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें और रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू 1 एक ब्रैकेट में रियल पार्ट आएगा माइनस 8t क्यूब प्लस 6t प्लस 3 प्लस आयटा, दूसरे में इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 10t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 1 और dt बाहर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा i इज इक्वल माइनस 8t क्यूब का माइनस 2t 4 प्लस 6t का 3t स्क्वायर प्लस 3 का 3t हो गया प्लस आयटा अपनी जगह है 10t स्क्वायर का करेंगे तो 10t क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस 12t का करेंगे तो 6t स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का करेंगे तो t हो जाएगा, लिमिट आ गई 0 टू 1। अब इसमें हम अपर लिमिट 1 रखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा i इज इक्वल माइनस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस आयटा 10 बाई 3 प्लस 6 माइनस 1 और लोअर लिमिट 0 रखने से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। थोड़ा ठीक करके लिखें इसको तो अपने पास i इज इक्वल 4 प्लस 25 बाई 3 आयटा ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये फर्स्ट कर्व के अकॉर्डिंग इसका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट है कि हमें स्ट्रेट लाइन 1 माइनस आयटा एंड 2 प्लस आयटा के अलोंग इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए हम समझ सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन 1 माइनस 1 एंड 2 1 से पास होने वाली लाइन के अलोंग आप उस इंटीग्रल की वैल्यू बताएंगे। अब दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन हमको पता होगी y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होती है, जहां पर x1 y1 1 माइनस 1 है और x2 y2 2 1 है। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी y प्लस 1 इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू x माइनस 1, हमने x1 y1 की वैल्यू इसमें रख दी है। या फिर हम इसको कुछ ऐसा बना के लिख सकते हैं y प्लस 1 अपॉन 2, ये कहां से आ गया क्योंकि जो 1 प्लस 1 न्यूमरेटर में बनेगा RHS पर उसको हमने अपॉन पे डाल दिया इक्वल x माइनस 1 अपॉन 1 बच रहा है। अब हम इसे क्या करते हैं t कंसीडर कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, जब हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट को इक्वल करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 2t माइनस 1 और आप सेकंड और थर्ड पार्ट को इक्वल करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी t प्लस 1। तो इस तरह से अगर आपको किसी दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के अलोंग किसी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है तो आप टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख करके उसे t कंसीडर कर लीजिए और वहां से x y की वैल्यू निकाल दो t की टर्म्स में। अब हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल था वो था i इक्वल इंटीग्रल 1 माइनस आयटा से 2 प्लस आयटा ऑफ 2x प्लस आयटा y प्लस 1 इंटू dz, यहां पर आप dz की वैल्यू भी रख सकते हैं तो dx प्लस आयटा dy कुछ ऐसे आ जाएगा। अब फिर से समझिए, x की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो है t प्लस 1 तो dx की वैल्यू dt हो जाएगी, वही y की वैल्यू 2t माइनस 1 निकाली है तो dy की वैल्यू 2dt हो जाएगी। अब इसमें x की जो लिमिट है वो 1 से 2 है क्योंकि लोअर लिमिट में x की वैल्यू 1 है और अपर लिमिट में 2 है, तो हम x की वैल्यू रखेंगे 1 से 2 जबकि x की वैल्यू t प्लस 1 है तो x को 1 रखेंगे तो t 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब हम पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट आएगी 0 टू 1। तो i इक्वल इंटीग्रल 0 टू 1
ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स की जगह टी प्लस 1 प्लस आईटा वाई की जगह 2t टी माइनस 1 प्लस 1 लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में dx की जगह dt है प्लस आईटा dy की जगह 2dt आ गया है। तो हमारे पास ये लाइन जो मिली है इसको हम थोड़ा ठीक करके लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसा आएगा इंटीग्रल 0 टू 1 2t प्लस 3 प्लस आईटा 2t माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हम dt कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 आईटा बन जाएगा। इसको हम इंटीग्रल से बाहर भी लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसे बनेगा 1 प्लस आईटा इंटीग्रल से बाहर इंटीग्रल 0 टू 1 ब्रैकेट में रहा 2t प्लस 3 प्लस आईटा 2t माइनस 1 इंटू dt। अब हम इसका t के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलेगा i इज इक्वल 1 प्लस 2 आईटा बाहर ब्रैकेट में 2t का होगा तो t स्क्वायर प्लस 3 का होगा तो 3t प्लस आईटा फिर से 2t का होगा t स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा t, लिमिट आ गई 0 टू 1। अब हम इसकी लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखने पर आपको मिलेगा i इज इक्वल 1 प्लस 2 आईटा, तो ऐसे ही चल रहा है ब्रैकेट में 1 प्लस 3 प्लस आईटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1 जो कि 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखने से पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा i इज इक्वल 4 1 प्लस 2 आईटा, या फिर इसको आप ठीक करके लिखिए तो ऐसे लिख सकते हैं i इज इक्वल 4 प्लस 8 आईटा। तो इस तरह से इन पांच क्वेश्चन में आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, या तो आपको y इज इक्वल x में कुछ दिया होगा या फिर आपको कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स वाई की वैल्यू टी में करके निकालनी पड़ेगी या फिर आपको दी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको इसमें लगता है कि कोई लाइन गलत है या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।